मैम थैंक यू मैम थैंक यू सर नीचे झाड़ लेके खड़ी है वही है आ रहा इधर मैम मैम हमारे पास आ रहा इधर मैडम My character's name is Pakhi. She's a girl from Assam. She comes to stay in Mumbai to work. वो राजीव अनन्या और पुलि के घर में काम करने के लिए आती है. असम की रहने वाली है. उसकी पिताजी की डेथ हो चुकी है तो इसलिए वो माँ को पैसे की ज़रूरत होती है. उसे भेजा गया है मुंबई में. वो आना नहीं चाहती है पर शी वॉज फोर्स टू गो और शी इज़ ट्रैप्ड इन द कॉन्क्रीट जंगल एंड शी डजेंट नो विच प्लेस टू एडजस्ट. वो सिटी लाइफ को अडॉप्ट करेंगी या विलेज लाइफ को अडॉप्ट करेंगी वो उस कन्फ्यूजन में है. एंड शी इज़ अ वेरी सिंपल इनोसेंट एंड हार्ड वर्किंग गर्ल हु कीप्स ड्रीमिंग ऑल द टाइम. It was amazing. This is my first film and मैंने कभी acting की classes पहले नहीं ली थी. I was very new. मुझे कुछ पता ही नहीं है कैसे camera face करना, कैसे shoot होता है. तो when I met Ira, Adi and Palash uncle and everyone, Biswajit uncle, I learned a lot. They were very friendly with me. They helped me a lot on set and on shoots, everything. I learned a lot from them. How you got the film message? एक्चुअली बहुत पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री की थी 4 years back. विश्वजीत अंकल ही डायरेक्टर था. तो लास्ट ईयर जब उन्होंने ये फिल्म के लिए कास्ट कर रहे थे वो एक लड़की तो उन्होंने मुझे देख के रखा था. ही वॉज लाइक कि किम्सलीन तुम इस रोल के लिए मुझे फिट लगते हो एंड वी नीड अ नॉर्थ ईस्ट फेस्ड गर्ल. सो शी वॉज लाइक कि आई थिंक यू कैन डू इट सो आ जाओ. थैंक यू. ऑटो पे अरे वो ओके सर जी उसको फिल्म एक बड़े ही सेंसिटिव सब्जेक्ट पे है जो पर्यावरण के ऊपर है, एनवायरनमेंट के ऊपर. जो आजकल पेड़ पौधे हरियाली कम होती जा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, उसी के सब्जेक्ट के ऊपर है. और ये एक बच्चे के इनोसेंट सवालों के जरिए ये बताया गया है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही उम्दा तरीके से दिखाया गया. किरदार को क्या अनिवार्य है मैं उसमें नलियाकाई एक आसाम का है जो हमारे हीरो हीरोइन है उनके जो बर्थ प्लेस है असम वहाँ नौकर है और उसी के थ्रू मेरे कैरेक्टर के थ्रू ही नेचर का और एक गांव की खुशबू जो आती है मेरे कैरेक्टर के थ्रू ही नजर आती है इस फिल्म के अंदर. क्योंकि बाकी जो शहरी लाइफ है कंक्रीट का एक जंगल है और वहाँ पूरी हरियाली खेती बीज पौधे फसल सब कुछ वो सारा कुछ हरियाली मेरे कैरेक्टर के थ्रू इसमें वहाँ नजर आता है आपको इस फिल्म के अंदर. सर जानते पलाशन डॉक्टर भी हैं प्लस सक्सेसफुल सिंगर भी हैं अभी एक्टर भी हैं लेकिन एक्टिंग के मामले में उन्हें उतनी सफलता नहीं मिली है. इस फिल्म में वो प्रूव कर पाएंगे अपने सफलता नहीं मिली है क्योंकि बहुत ज़्यादा काम उन्होंने किया भी नहीं है. बिकॉज उनका मेन कंसंट्रेशन जो डॉक्टरी और सिंगिंग पे है बैंड पे है तो उन्होंने उतना सीरियसली उस एक्टिंग के फील्ड को लिया भी नहीं है. इस फिल्म में उन्होंने मेरे ख्याल
सबसे ज़्यादा आज तक मेरे जीवन में, मतलब उनके जीवन में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मेहनत इसी फिल्म में की है और बहुत उम्दा काम किया है उन्होंने। अभी तो मैं सिर्फ नसीरुद्दीन शाह और मनोज पाहवा, सीमा पाहवा इनके साथ एक नाटक कर रहा हूँ भीष्म सानी जी का, और एक सोलो परफॉर्मेंस, दो नाटक तैयार कर रहा हूँ। तो अगस्त एंड तक सिर्फ मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये दो नाटक कर रहा हूँ। थैंक यू। गाना तो हमने नहीं गाया, लेकिन हमारे दोस्त का म्यूजिक है और हमारे साथी हैं पलाश सेन, दिल्ली के हैं, मैं भी दिल्ली का हूं, और पलाश सेन क्योंकि सीनियर हैं हमसे बहुत ज़्यादा, जब उनके गाने आते थे तब हम सोचते थे अरे यार कैसा गाता है, मस्त गाता है, और हम भी कभी गाएंगे क्या। तो एक बार मेरा एक दोस्त था, बल्कि थी, और वो लेने गई थी इनका एक सीडी, तो मैं गलती से साथ में था, मुझे तभी पता लगा पलाश सेन कौन है, कैसा गायक है। और उसके बाद उसी दुकान से हमने भी बोला था कि देखो किसी दिन तकदीर रही तो आप हमारा भी ऐसे बेचना, तो ये बातें हो रही थी। अभी मैं दोबारा भी गया था 10 साल बाद उस दुकान पे, वो दुकान भी है, वही लोग हैं, और उन्होंने फिर हमारे चारों तरफ पोस्टर और ऑटोग्राफ टांग दिए, जैसे उनको ये पता लगा हम आने वाले हैं। हमने पहले से फ़ोन किया था कि हम आएंगे ज़रूर, तो बहुत प्यारा लगता है। दिल्ली की कुछ यादें हैं, दिल्ली के कुछ लोग हैं, ऐसे हुनरदार लोग हैं। वैसे भी गायक लोग एक्टिंग कम ही कर पाते हैं, कुछ कुदरत का चक्कर चल रहा है इन दिनों, लेकिन अच्छी बात है इन्होंने फिर से हिम्मत की और ये फिल्म में एक्टिंग भी कर रहे हैं और म्यूजिक भी उन्हीं का है, तो बहुत बहुत प्यारा लगा। ये देखिए खुशी की बात ये है इसमें कि एक्टर लोग भी और सिंगर लोग भी हैं, तो क्रिएटिव फील्ड में ही, और इस तरह से तो सब लोग अपनी मस्ती में, अपने फन के लिए, अपने शौक के लिए तो सब गाते ही हैं। तो अगर सिंगर लोग एक्टिंग कर रहे हैं तो वो भी समझ लीजिए अच्छी बात है, और एक्टर अगर गा दें लेकिन अच्छा गाएं तो वो थोड़ा है। कोई एक्टर जिनको आप प्लेबैक सिंगिंग में सुनना चाहते हो? नहीं, मैं बहुत मज़ा करता हूँ अगर अमित जी गाते हैं तो, क्योंकि उनका एक गाना था कहता है बाबुल, कहता है बाबुल ओ मेरी बिटिया, तो जो उनका जो पागलपन दिख रहा था ना वॉइस में एकदम, तू तो है मेरे माथे की बिंदिया, ऐसा एकदम पागलपन, मज़ा आ गया सुनकर। मूवी को काफी अवार्ड्स मिले हैं, काफी इंटरनेशनल अक्लेम मिला है, और देखा जाए तो इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है इट्स यू नो प्रोटेक्टिंग एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। हाँ, क्या कहना चाहते हैं आप इस मूवी के बारे में? देखिए कोई भी ऐसी फिल्म बनना जो कोई बहुत बड़ा मैसेज लिए हुए है आज के युग में बहुत ही आवश्यक है, और इस तरह के जो फिल्मकार होते हैं, इस तरह की सोच समझ रखने के लिए जो पैसे लगाते हैं, पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि हिम्मत चाहिए अच्छे काम करने के लिए, जज्बा और हिम्मत और ईमानदारी और नीयत आपकी सब इकट्ठी होंगी तो ही आपसे अच्छे काम हो पाएंगे, वरना अच्छे काम करने के लिए कई कई जन्म बीत जाते हैं, ख्वाबों में ही होते हैं,
बुरे को तो आप एक मिनट में बटन सा दबाना होता है बस, मतलब विष भी और अमृत भी आपके पूरे इस कलश में है जो आप जिसको मंदिर बोलते हैं। दिल एक मंदिर है कहने के लिए सब लोग, दिल एक मंदिर है लेकिन उस मंदिर में कितना गंद घोला हुआ है लोगों ने ये पता नहीं सब। तो ये तो बहुत ही बड़े मीनिंगफुल की बात आपने बताई। अगर कोई सच्चे किसी अर्थ को लिए हुए सिनेमा बनता है तो वो तो मांगना का मांगना और माइयों के दीदार, एंटरटेनमेंट का एंटरटेनमेंट और साथ में एनलाइटनमेंट। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। यही तो है।